हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में काफी बच्चों की क्वारी ये थी कि एलपीटी में क्या होगा, क्या पूछेंगे, क्या हमारे से करवाएंगे, तो आज का सेशन उसी को लेके है ताकि लोगों के मन में जो डर है, डर वाली इसमें कोई खास बात नहीं है, इस लेवल का आपका कोई ये टेस्ट नहीं है। बट अगर आपको बिल्कुल उस लैंग्वेज का पढ़ना लिखना हुआ जो बेसिक चीजें अगर नहीं पता, तो वो बेस आपके लिए ट्रबल है, उसको आपको सीखना चाहिए। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में स्पेसिफिकली क्या है, जिस भी स्टेट, जैसे नॉर्थ के काफी स्टेट्स तो आपके हिंदी से कवर हो गए, अगर आपको हिंदी आती है या आपके 8th एंड अबव स्टैंडर्ड में हिंदी कोई सब्जेक्ट रहा है तो आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत होती नहीं। हाँ, बाकी जैसे दूसरे स्टेट्स हैं, जैसे आप बंगाल जाएंगे उबेस आपको बंगाली चाहिए, आप अगर पंजाब जाएंगे तो पंजाबी वहां का एक वो लोकल लैंग्वेज होगी, आपके गुजरात है तो गुजराती होगी, तो इसमें प्रॉब्लम है। साउथ के स्टेट्स हैं उनमें कई मलयालम है, जैसे केरला है मलयालम होगी, कई कन्नड़ होगी, कई तेलुगु होगी, तो इस तरह से उन स्टेट्स में आपको वो टेस्ट देने की जरूरत पड़ती है। और उसके लिए अगर आप देखें तीन चीजें वो आपसे देखते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। जैसे वो लोग आपसे कॉन्वर्सेशन करेंगे वहां की लोकल लैंग्वेज में, जो वहां की लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड है उसमें, और आपको उसका जवाब देना है, तो आपको देख लेंगे कि आप जवाब दे पा रहे हो, इसका मतलब आप स्पीकिंग में तो ठीक हो, मतलब आप समझ भी रहे हो और बोल भी रहे हो, राइट। जो ये इसकी नीड कहां से आती है कि जो लोग जिस भी एरिया में, जैसे आप पंजाब में काम करोगे, पंजाब में पूरे लोग जो देहात के लोग हैं जो दूसरी लैंग्वेज नहीं समझते हैं वो आपके पंजाबी में ही बोलते हैं, तो आपको एटलीस्ट आपका कस्टमर आपसे क्या कहना चाह रहा है ये आपकी समझ में आना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई वो थीसिस नहीं लिखवाएंगे, आपको उस सब्जेक्ट में कोई बहुत इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं, बट बंदा वो कह क्या रहा है वो तो आप समझे एटलीस्ट। So, इसमें स्पीकिंग में आपसे जैसे वो कन्वर्सेशन करेंगे और आप में उसका कितना के प्रॉपर रिप्लाई या वो दे पा रहे हैं, उससे वो हो गया कि आप यस स्पीकिंग तो आपको आती है। देन राइटिंग, आपको वो एक सर्टेन कोई भी पैराग्राफ एक डिक्टेट कर देंगे वहां की लोकल लैंग्वेज में और आपको वो लिखनी, तो उससे आपका वो चेक हो गया कि आप लिख पा रहे हैं क्या। देन रीडिंग के लिए, जैसे वहां के कोई लोकल लैंग्वेज, पंजाब, जैसे आप पंजाब गए, पंजाबी का कोई वहां न्यूज़पेपर पढ़ा, आपको कह देंगे जी आप ये न्यूज़पेपर पढ़ के बताइए, अगर आपने पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा स्लो पढ़ा बट आपने पढ़ लिया, तो वो मान लेंगे कि हाँ ठीक है, इसको पढ़ना भी आता है, इसको लिखना भी आता है और बोलना भी आता है। उसमें ये नहीं है कि आप पूरे दक्ष हैं, आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए या आपसे दो गलती होगी तो आपसे बाहर निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लाइटली लेते हैं इसको। बट अगर आपको बिल्कुल ही पता नहीं है भाई, जैसे आप पंजाबी में ए बी ही नहीं लिख सकते हो या ए बी ही नहीं पढ़ सकते हो, तो ऑब्वियस है आपके प्रॉब्लम आएगी और वो उस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप फेल होंगे, वो आपको फिर चांस देंगे, जैसे आपको 3 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, मैक्सिमम शायद 6 मंथ तक वो दे देते हैं, तो आपको मैक्सिमम वो इवन दे देते हैं आपके प्रोबेशन पीरियड तक भी दे देते हैं, तो वो आपको कुछ सर्टेन, जैसे आपको 1 साल का सपोज आपका प्रोबेशन है तो आपको 1 ईयर तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इनिशियली शायद वो 3 मंथ्स के लिए करेंगे। 3 मंथ्स में आपको वो सीखनी है, और सीखनी क्या है, उसको पढ़ना, लिखना और बोलना। सो अभी आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि आज ही कोई भाई, कुछ बैंक में हो सकता है बहुत ज्यादा इमरजेंसी और आपकी बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये एलपीटी और इनके लिए वो उनका मेल आ जाए, बट बाकी आप देखिए जून से पहले पॉसिबिलिटीज बहुत कम है लोगों के आने की, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट आपका किया है फॉर 1 ईयर है, ये 31 जो नेक्स्ट आएगी तब तक के लिए ये वैलिड है, 1 अप्रैल से लेके और नेक्स्ट 2020 की जो 31 मार्च है तब तक वैलिड है, तो ये धीरे धीरे ही लेंगे बैंक जून से पहले पॉसिबिलिटी का। ये नहीं है कि कोई नहीं लेगा, हो सकता है आपके पास 10 दिन में ही कोई मेल आ जाए या किसी के पास मेल आ चुकी हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ज्यादातर के लिए तो आपके पास टाइम है अभी भी। सो आप इसको बहुत इनडेप्थ, आपको इसकी नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस भी आपको जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को आपको क्वालिफाई करना है, उसका रीडिंग, उसका राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये तीन आप
मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल एररलेस आपकी रीडिंग होनी चाहिए या एररलेस आपकी स्पीकिंग होनी चाहिए या एररलेस आपकी राइटिंग होनी चाहिए। कुछ सर्टेन गलतियां होंगी तो भी वो ओवर लुक करेंगे, क्योंकि आपको वहां उसमें उनको कोई ये नहीं है कि आपको कल को वो जो बाकी लोकल लैंग्वेज है वो बच्चों को पढ़ानी है। सिर्फ आपको समझना है, आप वहां लिखा हुआ भी पढ़ लें और पढ़े जो आपस में कॉन्वर्सेशन कोई करना हो लैंग्वेज लोकल में वो कर पाए और उसको लिख भी पाए। तो स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग ये तीनों आपको आनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि एररलेस आनी चाहिए, बट सम एक्सटेंट तक ये आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो आप प्लीज उस पर ध्यान दें और उसको सीखें, क्योंकि ये चीजें तो आपसे वो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स रेगुलर करते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज हमें लिखिए, देने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस।